ठीक है। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, और फर्स्ट जो केस है हमारा, फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। ओके, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे। कॉन्वेक्स लेंस बना के उसका ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लेना आप। ऑप्टिकल सेंटर मार्क करने के बाद फोकस मार्क करोगे, ठीक है? तो फोकस आपने मार्क करा एफ डैश, और इधर फोकस मार्क कर दिया एफ। अब जो डिस्टेंस होगी ओ से लेके एफ डैश तक की, और डिस्टेंस होगी ओ से लेके एफ तक की, डिस्टेंस क्या होती है? सेम रहेंगी, ठीक है? द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एफ डैश इज इक्वल टू ओ टू एफ। और ये होती क्या है, क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ, ठीक है ना? क्या होती है ये? फोकल लेंथ। नाउ द यस सर। डिस्टेंसेस डिस्टेंसेस बिटवीन एफ डैश टू टू एफ डैश, ये भी सेम होगी, एंड डिस्टेंस बिटवीन एफ टू टू एफ इज ऑल्सो सेम। मतलब कि ये जो डिस्टेंसेज आ रही हैं, दीज डिस्टेंसेज आर दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, दीज ऑल डिस्टेंसेज आर सेम। दीज डिस्टेंसेज आर यहाँ से यहाँ तक, दीज डिस्टेंसेज आर सेम। ओके, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आप मार्क कर लेना। एंड हियर सी वन सी टू, सी वन सी टू इज वॉट? सी वन सी टू इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर जो सी वन सी टू है, सी वन सी टू किसको डिनोट कर रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? नाउ इन आवर फर्स्ट केस द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। ओके, सो द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, देन दीज आर द रेज कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। नाउ बिकॉज ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, सो दैट दीज रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारा रूल ये कहता है कि इफ द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, हमारा रूल क्या कहता है कि जो रेज है वो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, रिफ्रेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होंगी? फोकस से पास होगी, ठीक है? ऐसे एक, अब इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट टू टू रिफ्रेक्टेड रेज चाहिए। तो एक तो ये फर्स्ट रिफ्रेक्टेड रे हो गई, ये फोकस से पास हो रही है यहाँ से, और ये सेकेंड रिफ्रेक्टेड रे हो गई। ये तो फर्स्ट वाली हो गई आपके, फर्स्ट रिफ्रेक्टेड रे, और ये सेकेंड रिफ्रेक्टेड रे हो। सो बोथ द रिफ्रेक्टेड रेज आर मीटिंग एट द पॉइंट एफ डैश। दोनों रिफ्रेक्टेड रेज कहाँ पर आके मिल रही है? एफ डैश पर आके मिल रही है, ठीक है? तो हमारी जो इमेज है वो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? एफ डैश पे, ठीक है? सो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, पोजिशन ऑफ द इमेज इज एट एफ डैश, विजिबल है आपको, दिख रहा है। या आप ये भी लिख सकते हो कि भाई पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर बन रही है? प्रिंसिपल फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस जो आपकी इमेज हो कहाँ फॉर्म हो रही है? प्रिंसिपल फोकस। नाउ यू कैन सी दैट द साइज ऑफ इमेज आपको बताना है। तो साइज ऑफ द इमेज क्या है? एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड। साइज ऑफ द इमेज क्या आ जाएगा? एक्सट्रीमली डिमिनिस्ड। एंड द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज मैंने आपको बताया कि इफ द रिफ्रेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट सम पॉइंट, इफ द रिफ्रेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट सम पॉइंट, देन द इमेज फॉर्म इज रियल। जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है? रियल होती है, ओके? और साथ साथ में क्या होती है? इन्वर्टेड, ओके? तो इस तरह से यू कैन ड्रॉ दिस रे डायग्राम। दिस इज द रे डायग्राम व्हेन, दिस इज द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका? इन्फिनिटी पर है, ठीक है? अब सेकेंड देखो, आप सेकेंड देखो, सेकेंड केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, इन्फिनिटी और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके? तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए बी। ए बी किसको डिनोट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है आपका? अपराइट, ठीक है? ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है? अपराइट, ठीक है ना? तो ए बी जो डिनोट करेगा, ए बी डिनोट करेगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को। ए बी किसको डिनोट करेगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को। अब आपको इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है ना? तो इमेज फॉर्म करने के लिए यस चाहिए एटलीस्ट टू लाइट रेस चाहिए। तो टू लाइट रेस ले लो यहाँ से। लेट दिस इज द फर्स्ट लाइट रे, ये फर्स्ट लाइट रे हो गई आपकी, और ये सेकेंड लाइट रे हो गई, ठीक है? अब हम रूल लगाते हैं। तो रूल लगाते हैं, ये लाइट फर्स्ट लाइट रे आ रही है। नाउ दिस फर्स्ट लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट से जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस जो है इमिट होती है। हमें एटलीस्ट टू लाइट रेस चाहिए ताकि हम क्या करें, इमेज को फॉर्म कर सके, ठीक है? तो पहली लाइट रे ले ली हमने, दिस लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा रूल क्या कहता है? इफ अ लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। रिफ्रेक्शन के बाद जो लाइट रे है वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो ये हमको मिल जाएगी फर्स्ट रिफ्रेक्टेड लाइट रे। ये हमें क्या मिल गई? फर्स्ट रिफ्रेक्टेड लाइट रे मिल गई, ठीक है? तो एक रूल तो हमने लगा दिया। दूसरा रूल लगाते हैं, सेकंड रूल।
सेकेंड रूल ये लगाते हैं कि इफ अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इफ अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल पास अनडेविएटेड, अनडेविएटेड वो लाइट रे क्या होगी, आगे चली जाएगी। तो ये हमारी सेकेंड इंसिडेंट लाइट रे थी और यहाँ पर हमें मिल जाएगी अपनी सेकेंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड दिस इज द सेकेंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी वहां पर क्या होगा, इमेज बन जाएगी। आपने ए लिया था, इसका हेड लिया था और हेड से ये दोनों लाइट रेज निकाली थी, इसलिए यहाँ पर भी जो इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, इसके हेड की बनेगी। तो ये ए डैश हो जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। तो आपकी इमेज फॉर्म हो गई, साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो इमेज फॉर्म हुई है फॉर्म कहाँ पर हुई है। सो यू कैन क्लियरली सी दैट द पोजिशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश। दिख रहा है आपको जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज देखो आप, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो ए बी इज अ साइज ऑफ, इनवर्ट इरेक्ट इमेज ए डैश बी डैश इज द साइज ऑफ इमेज। सो साइज ऑफ इमेज इज लेसर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिस्ड, ठीक है। और फिर हाँ डिमिनिस्ड है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ दीज टू रिफ्रेक्टेड लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। दीज टू रिफ्रेक्टेड लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। तो इसलिए जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी रियल रियल और इमेज बनेगी। इनवर्टेड। और आप ये क्लियरली देख सकते हो कि ये उल्टी बन रही है ना, उल्टी बन रही है। तो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। नाउ लेट सी द नेक्स्ट केस। ये नेक्स्ट केस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा अब आप बता सकते हो कि मिरर में ऐसा कौन सा केस था जिसमें सेम साइज की इमेज बन रही थी, उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था अपन ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेंटर रखा। ऑफ कर्वेचर पे रखा था। तो बिल्कुल कुछ कुछ ये केस है, आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे करने के लिए, तो इस केस को थोड़ा ध्यान रखना है ना। अब आपको रूल्स आते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इस केस में अगेन ए बी इज अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी इज अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ वी रिक्वायर्ड मिनिमम टू टू रेस, सो लेट्स टेक दिस इज रे वन एंड दिस इज द रे टू, दिस इज द सेकेंड रे। नाउ दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे। नाउ आफ्टर रिफ्रेक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। आफ्टर रिफ्रेक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल पास थ्रू द फोकस, कुछ इस तरह से। तो ये आपकी फर्स्ट रिफ्रेक्टेड रे आ गई। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड इंसिडेंट लाइट रे। दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट लाइट रे। इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड इट विल पास अनडेविएटेड। तो अनडेविएटेड पास हो जाएगी तो ये आपकी सेकेंड रिफ्रेक्टेड रे होगी। अब ये दोनों रिफ्रेक्टेड रे जहां पर कट करेगी एक दूसरे को, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, वहां पर आपका क्या जाएगा, ए डैश। क्यों, क्योंकि आपने जो रेज इमर्ज करी थी वो कहाँ से इमर्ज करी थी, ए से। जो रे आपने इमर्ज करी थी वो कहाँ से इमर्ज करी थी, ए से। तो इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी, ए इस ए पॉइंट की ही बनेगी, जिसको अपन ने क्या डिनोट करा है, ए डैश। नाउ दिस ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज द इमेज और आई कैन से द साइज ऑफ द इमेज। नाउ राइट व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट टू एफ। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गई आपकी, 2f हो गई। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, सो पोजीशन ऑफ द इमेज यू कैन सी क्लियरली, पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट 2f डैश। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो गया, 2f डैश। नाउ हियर दिस इज द स्पेशल केस एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस स्पेशल केस, दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f देन द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि साइज ऑफ इमेज ए बी इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, ओके। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज यू कैन सी क्लियरली दैट दीज टू रिफ्रेक्टेड लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट ए डैश, ओके। दीज टू रिफ्रेक्टेड लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दैट पॉइंट, सो दैट द नेचर ऑफ दैट इमेज इज रियल एंड रियल। और साथ साथ में आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट कैसा था आपका, अपराइट था, और इमेज कैसी बन रही है उसकी, उल्टी, अपोजिट, ठीक है। तो रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। तो यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द 2f देन व्हाट हैपेंस,
द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ द इमेज इज एट 2f' एंड नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है केस। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट केस। नाउ नेक्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन 2f एंड f। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन 2f एंड f। नाउ अगेन वी रिक्वायर टू इंसिडेंट रेस, सो दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट रे। नाउ दिस इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल पास थ्रू द फोकस। कहाँ से पास होगी? वो फोकस से पास होगी, तो ये आपको फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे मिल जाएगी। नाउ लेट्स टेक द सेकेंड इंसिडेंट लाइट रे। नाउ दिस इंसिडेंट लाइट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, सो अकॉर्डिंग टू अवर रूल द लाइट रे विल गो अनडेविएटेड। आगे कैसी जाएगी? अनडेविएटेड। सो दिस इज द सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे। ओके, नाउ बोथ दिस रिफ्रैक्टेड रेज आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट, सो यू विल गेट इमेज ऑफ दिस पॉइंट ए। ए जो पॉइंट था उसकी इमेज आपको मिलेगी, जिसको अपन ने यहाँ पर किससे मार्क कर दिया? ए डैश से। नाउ ए डैश बी डैश इज द इमेज। ठीक है, ए बी इज अवर ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज द इमेज। नाउ यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, सो पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड 2f', 2f' के भी बाद में बन रही है इमेज। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड 2f'। नाउ साइज ऑफ द इमेज, सो साइज ऑफ द इमेज यू कैन क्लियरली सी दैट a dash b dash is greater than a b। ठीक है, a dash b dash is greater than a b, so size of the image is enlarged। तो जैसे जैसे आप पास आते जाओगे लेंस के, वैसे वैसे इमेज का जो साइज है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप लेंस के पास आते जाओगे, इमेज का साइज जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। सो साइज ऑफ द इमेज इज व्हाट? enlarged। नाउ यू कैन क्लियरली सी द नेचर ऑफ द इमेज, so nature of the image is because these rays are actually meeting at this point or actually intersecting at this point, so the image is real or inverted। तो आपको दिख ही रहा है ऑब्जेक्ट आपका अपराइट था और इमेज कैसी बन रही है? उल्टी, अपोजिट। ये कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ केस है और फोर्थ केस का रे डायग्राम। नाउ लेट्स टेक अ नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका? फोकस पर है। ये रहा ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट फोकस। नाउ अगेन यू रिक्वायर टू रेस, सो लेट्स टेक दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट रे। सो बिकॉज दिस फर्स्ट इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। सो दिस इज योर फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे। नाउ लेट्स टेक सेकेंड इंसिडेंट रे। सो दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट रे। Now it is passing through the optical center, ठीक है? So when it pass through the optical center, it will go undeviated. Undeviated ये आगे चली जाएगी, तो ये आपकी second refracted ray हो गई। Now you can see that this first refracted ray and second refracted ray, both the refracted rays are parallel to each other. एक दूसरे के क्या है? ये parallel है, ठीक है? So because they are parallel, है ना? और अगर इनको बैक साइड भी एक्सटेंड किया जाए, इफ आई एक्सटेंड देम इन अ बैक साइड, इन बैक साइड आल्सो बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आफ्टर सम डिस्टेंस आल्सो, अगर कुछ डिस्टेंस तक भी मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ तब भी ये एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज लाइट रेज और दीज रिफ्रैक्टेड लाइट रेज विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट इंफिनिटी, समवेयर एट इंफिनिटी। ठीक है, तो समवेयर एट इंफिनिटी मतलब सर, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। तो इंफिनिटी भी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इंफिनिटी आप मेजर कर सकते हो कि कहीं पे? इंफिनिटी आप मेजर कर सकते हो? तो ये तो एक बस वी आर जस्ट सेइंग दैट कि व्हेनेवर दे विल मीट और व्हेनेवर दे विल फॉर्म द इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। ठीक है, सो वी आर जस्ट सेइंग इट, है ना? इंफिनिटी तो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। इंफिनिटी तक तो डिस्टेंस आप ऐसे ही मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, so the image will form somewhere at infinity। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? What is the size of the object हमने किससे denote करा? A B से। Size of the image हम denote कर देते हैं A dash B dash से। ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर A dash B dash, because we are continuously denoting the size of the image by A dash B dash, so अपने वो notation दिया हुआ है। Now position of the object क्या है? Focus। So position of the object is at focus। पोजिशन ऑफ द इमेज, यहाँ देखो आप क्या लिखा हुआ है।
पोजीशन ऑफ द इमेज क्या लिखा है, इंफिनिटी। ठीक है, तो इमेज जो बनेगी इंफिनिटी पे, इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर कहीं पर जाकर इमेज बनेगी इसकी। ठीक है, और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इनलार्ज्ड। ठीक है, इमेज जो बनेगी आपकी, साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीमली इनलार्ज्ड होगा। अब ये कैसे करा हमने, तो आप देखो जैसे जैसे आप पास आते जा रहे हो जो साइज ऑफ द इमेज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप देखो कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो आपका जो साइज ऑफ इमेज था वो क्या था, एक्सट्रीमली डिमिनिश था। फिर आप थोड़ी पास आए तो आपको कुछ साइज मिला ऑब्जेक्ट का, फिर और पास आए तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, सेम हो गया। और ज्यादा पास आए तो देखो साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप और फोकस पर आ गए तो अब क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज जो होगी और इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि एक्सट्रीमली इनलार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द रे डायग्राम फॉर द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द फोकस, है ना। अब इसका जो लास्ट केस है, ये लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट केस में क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल तो हमारा वही है। रूल जो है हमारे, हमें क्या चाहिए, मिनिमम टू लाइट रेस चाहिए। तो ये फर्स्ट लाइट रे ले लो, दिस वन इज द फर्स्ट लाइट रे एंड दिस वन इज द सेकेंड लाइट रे। नाउ दिस फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे है वो क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आफ्टर रिफ्रेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। रिफ्रेक्शन के बाद उसको क्या करो, फोकस से पास कर दो। फोकस से पास कर दिया आपने, ये सारे डायग्राम्स आप पेंसिल स्केल से ड्रॉ करके देखना। ठीक है, यस सर। और एक्चुअल में देखना किस तरह से मिल रही है। अब यहाँ पर आपने सेकंड इंसिडेंट लाइट रे ली, ये आपकी सेकंड इंसिडेंट लाइट रे है। ठीक है, अब सेकंड इंसिडेंट लाइट रे को आप पास करोगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो अनडेविएटेड आगे चली जाएगी, तो ये अनडेविएटेड आगे चली गई। तो आप ध्यान से देखो इस वाले केस में, ये जब ऑब्जेक्ट अपना फोकस पे रखा था, इस वाले केस में जो आपको रिफ्रेक्टेड रेज मिल रही है और इस केस में जो रिफ्रेक्टेड रेज मिल रही है, यहाँ पर क्या हो रहा था, दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या था, पैरेलल टू ईच अदर थे, एक डिस्टेंस पर थे ये। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इस केस में ब्रॉड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है। ऐसे ऐसे आगे बढ़ाओगे तो इधर आगे तो ये कभी मिलने वाले हैं नहीं। तो क्या करेंगे हम, वी एक्सटेंड बोथ ऑफ दीज रिफ्रेक्टेड रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अपन एक्सटेंड करेंगे, सो दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। ओके, दे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, और उस पॉइंट को हम क्या मार्क कर देंगे, ए डैश। ठीक है, तो ये हमारा ए डैश आ गया, इधर ये बी डैश आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी इमेज फॉर्म होगी। अब यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है, तो देखो ए बी तो क्या है, अपना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश है साइज ऑफ इमेज। तो जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या है, लार्ज है। साइज ऑफ इमेज इज लार्जर, वेरी वेरी लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू कैन सी हियर ऑल्सो इन दिस रे डायग्राम ऑल्सो वॉट इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आ रही है, बिटवीन, जो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। एंड वॉट इज द पोजिशन ऑफ द इमेज, सो पोजिशन ऑफ द इमेज में आप लिख सकते हो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, पोजिशन ऑफ द इमेज में आपके लिखोगे, पोजिशन ऑफ द इमेज में आपको लिखना है सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज तो आप क्लियरली देख ही रहे हो, एक्सट्रीमली इनलार्ज्ड। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज क्या आएगा, एक्सट्रीमली इनलार्ज्ड। नाउ नेचर, नेचर देखो आप इसमें, नाउ बिकॉज दीज रिफ्रेक्टेड रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग ईच अदर, दे आर अपीयर टू मीट ईच अदर। ओके, एंड अपीयर टू मीट ईच अदर का मतलब जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, और साथ साथ में क्या होगी, ये इरेक्ट होगी। तो जो लॉजिक आप पीछे से मिरर से लेते हुए आ रहे हो वो लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। वहां पर भी जो भी वर्चुअल इमेजेस बन रही थी वो सारी वर्चुअल इमेजेस क्या थी, इरेक्ट थी, और जो भी रियल इमेजेस बन रही थी वो सारी क्या थी, इन्वर्टेड थी। ठीक है, सो दीज आर द सिक्स केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है।